अस्सलाम वालेकुम माय ट्यू फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। सो बस बहुत सर्दी है बहुत, और एकदम लग रहा है पानी में हाथ देने से भी लग रहा है एकदम करंट लग रहा है, और यहाँ एक दो तीन दिन से बस ज़्यादा ही सर्दी हो रही है। माशाल्लाह से रोज़े चल रहे हैं हमारे, चल रहा सबके रोज़े, और व्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, प्लीज़ जाके देखिए व्लॉग। और बहुत हवा चल रही है, खिड़की खोलने से लगता है कितनी हवा खिड़की खोलनी पड़ती क्योंकि थोड़ी सी सनलाइट आ जाए, लेकिन मेरे मेरे रूम में धूप ही नहीं आती है, एकदम नहीं आती है। एक मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, और दूसरी बात ना कपड़े भी डाले रहते हैं बालकनी में, और ठंडक ठंडक लगती है, तो बहुत सर्दी है। वजू करके बैठे, चलिए पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं उसके बाद ब्लॉग में आके बने रहिए। अच्छा ऐसा हो गया है कि अभी तक हस्बैंड नहीं आए हैं, अफ्तारी बनी नहीं है और 4:30 हो गए हैं, देखिए कब आते हैं कब नहीं आते हैं। मैं कब से बालकनी में खड़ी हुई हूँ, बंद है वहाँ से लिए थे। काफ़ी देर हो गई थी तो जल्दी जल्दी से केसर डाल के दूध उबाल लिया था क्योंकि मेरा दिल कर रहा था आज दूध का शरबत बनाने का। एक तरफ अंडे उबालने रख दिए थे, यहाँ बैगन को भी काट लिए थे बेसन में फ्राई करने के लिए। यहाँ ये थी आज की हमारी अफ्तार, और बहुत झटपट जल्दी जल्दी करना पड़ा क्योंकि एकदम टाइम नहीं था हमारे पास में। और प्लीज़ ये दस्तरखान आज बेड पर लगाया है, कल भी लगाया था बेड पर। रीज़न यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कमर में ना चिनक आ गई है, मेरे से ना झुका जा रहा है, बस मैं खड़े खड़े जितना काम हो सकता मैं कर ले रही हूँ, मुझे बहुत दर्द है। और मेरी वजह से मैं भी बैठ के खा रही हूँ, तो मेरी वजह से सारे जितने लोग हैं सब वहीं पर बैठ के खा रहे हैं। पूरे रमज़ान डाइनिंग हॉल में कालीन बिछा के हमारे घर पर अफ्तार लगती है। ठंड है ना काफ़ी, मेरे हाथ एकदम फ्रीज हो रहे हैं एकदम। साइड में ना हाथ का तो उंगल भी लगा है। कहाँ हम हाँ वो ये वाली नहीं, वो वाली चाहिए, हाँ वो वाली, हाँ ये वाली एकदम लाल है, देखिए कितनी अच्छी गाजरें, ले लीजिए। लाइन से यहाँ पर सब ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा है ना, फ्रूट्स के साथ साथ पूरा वो तो को, अभी लाइन से ड्राई फ्रूट्स का आएगा। देखिए सिवैया मिली है, सिवैया मिली है, भुनी हुई सिवैया है, पूछिए। बंद करो जल्दी जल्दी अंदर चलिए। उसने तो बंद कर दिया, आई थिंक बंद कर दिया, जहाँ बंद है। कितने के भुट्टे? दो एक 12 रुपए का। खराब है? नहीं खराब नहीं, निकलने के बाद डाल दे भाई, में दिक्कत है। दो एक साथ कर सकते हैं। अच्छा अच्छे से वो करिएगा, कच्चा नहीं रहना चाहिए। नहीं अभी तो हाँ। वालेकुम सलाम, ये लो भाई, फ्रेश फ्रूट्स है।
ठंड में भुट्टे खाने का मजा अलग है। इतने गरम गरम बना के दे रहा था, मैंने लिए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस पापा भी आ जाए, पापा से सामान मंगवाया है। सो यस, कल जैसे मैंने बताया था कि मैं केदारपुर गई थी, हाँ कल शाम को मैंने केदारपुर गई थी, मुझे कुछ सामान लेना था। रीज़न ये है कि कल मुझे माशाल्लाह से 40 आदमी की दावत का प्रिपरेशन करना है, 40 आदमियों के। और मैं क्या बना रही हूँ मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन वो क्योंकि वो कल के ब्लॉग में आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। और इसी वजह से मैं सामान सब लेने गई थी वहाँ से, और आप जब देखिएगा तो व्लॉग आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या सामान लिया। उससे तो आप अंदाजन बताइएगा लेकिन क्या बनाने, क्योंकि उससे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए जब यहाँ जो मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन जिसमें डेजर्ट भी है और मेन डिश भी है। और तो बस चलिए, किसके लिए दावत हो रही है, आ जाओ जाओ, किसके लिए दावत हो रही है वो आपको कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा। और तो चलिए आगे ब्लॉग में बन रही। और दूसरी बात, मेरे ब्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, शर्म बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और बस हमजा के एग्जाम्स आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं प्री बोर्ड्स, और बस थोड़ा सा रिलीफ है मुझे। तो चलिए, आज भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है, रोज़े चल रहे हैं हमारे, हमें आदत है। क्योंकि ना सिर्फ रजब के चांद निकला ऐसा नहीं कि हम रोज़े, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े हम हमेशा से रखते आए हैं। मेरी बच्चे भी माशाल्लाह से रखते हुए आए हैं, शाजिया, हम, मेरी देवरानी, हम लोग को जब मतलब बोलते हैं ना एक रोज़ा रखता है तो बोलते पूछ लेता है, सामने वाला आके पूछ लेता है तुम्हें रोज़ा रखना है, तो बस हम लोग ऐसे ही करके रोज़े रख लेते हैं। और इसी तरीके से महीने में बहुत रोज़े हो जाते हैं हमारे माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमेशा ऐसी आदत रहनी चाहिए, रोज़े की आदत रहनी चाहिए इंसान को। और आगे बने रहिए, देखिए क्या बनाते क्या नहीं। चने बने हैं, जैसे रमजान में हम लोग चने खाते हैं, काले चने, आज सब खुश हो जाएंगे। क्या बना रहे पापा? स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे, बिकॉज़ स्ट्रॉबेरीज की फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आई देखो। तो चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र आज थोड़ा सी तबीयत मेरी बेहतर है, तो मैंने दस्तर खान पूरा कालीन लगा के बाहर डाइनिंग हॉल में बिछाया है। माशाल्लाह से इतना अच्छा लगता है ना जब सब एक साथ फैमिली बैठती आके एक दस्तर खान पे, वो रौनक और वो बात अलग रहती है। और हमेशा दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ये दस्तर खान मेरे घर का हमेशा ऐसी हरा भरा रहे, आमीन। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।